जीरो से हंड्रेड की जर्नी यहां पूरी हुई है जीरो से हंड्रेड अब यार उमर उमर छोड़ो बट अमाल मलिक ब्रदर कंग्रेचुलेशन ऑन हंड्रेड ट्रैक्स हंड्रेड थैंक यू थैंक यू सो मच रात के राजा हो तुम यार आ, कित, सोचो कितनी रातें तुमने

एंड आई वुड थैंक यू नो सब लोग जितने भी मेरे लिरिक राइटर्स हैं सबसे पहले उनको थैंक यू बोलूँगा फिर मेरी जो टीम है प्रोड्यूसर्स म्यूजिक प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स एक्टर्स सिंगर्स इन लोग सब ने साथ में एक जर्नी की है सो इट्स नॉट जस्ट मी अलोन बट मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि हंड्रेड सॉन्ग्स पे भी रह के आई फील चलो कल फर्स्ट गाना आ रहा है इत, इतना फायर एंड हैप्पीनेस है काम के लिए so i'm i'm good. you have um, i've done my highest number of songs in a year have been 28 or 29 That's ridiculously amazing. and it happened for three years मुझे जब जब अच्छा मौका या बुरा मौका है बड़ी फिल्म या छोटी फिल्म मिली i felt ki i'll just give my best and मेरे फर्स्ट 30 फिल्म सब सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म्स है और वो सब गाने सुपर हिट रॉय रॉय वाज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल सुपर फ्लॉप फिल्म फेयर अवार्ड जीत गए.

चल छोड़ यार <laughs> <laughs> मैंने छोड़ो कोई बड़ी अच्छी सब्जेक्ट वाली फिल्म <laughs> ये तो like yeah. They you know, लाइक तो मतलब, मतलब दे बहुत जवान हो गया हम <laughs> लोगों को डर लग रहा है कि कोई नहीं <laughs> दोनों भाइयों के बीच में जो मैं आज कर रहा हूँ आपको जिसके लिए मिला ये मेरा सिक्सटीन ईयर ओल्ड ड्रीम है जो थर्टी ईयर ओल्ड अमल मलिक ने कम्प्लीट किया वे तू मेरा नहीं आई वॉन्टेड टू ओनली टू सिंगल्स मैंने फिल्म राउट really? लिया कि डब्बू मलिक मेरे जो फादर है उनका डी एन ए में बात है दिखा सकता हूँ वो मैं दुनिया को तो मैं दिखा देता हूँ और आई वॉन्टेड हिम टू नॉट बी नोन एज माई अंकल्स ब्रदर और बी नोन एज हिज नेफ्यूज इवन दो ही इज मेड आर फैमिली मलिक इज़ बिकॉज ऑफ अनू मलिक सरदार मलिक जी के बाद एनी वन हू मेड आर स नेम दिस बिग इन द वर्ल्ड इज अनू अंकल करेक्ट बट वो एक चीज़ है कि मेरे को अपने बाप के सपने पूरे करने Correct. तो हम उठेंगे वादे निभाएंगे और दोनों ने सिक्स मार और, और, और तोड़ है। के आएंगे और ये बहुत अच्छी चीज हुई फॉर माय पेरेंट्स दैट दोनों भाई सक्सेसफुल है कभी-कभी दोनों के अलग अलग टाइम पे मिलता है हम लोग के गाने यानी इन सौ गानों में अरमान का भी योगदान है फिफ्टी सॉन्ग बान दैट प्रोसेस वीप्लीटेडी सॉन्ग्स एज अगर वाई

मैंने आज तक पांच सिंगर नहीं गवाए मैंने देखा है जब एनाज असिस्टिंग सीनियर कंपोजर्स उन लोग भी गवाते थे बट दैट्स नॉट आवर चॉइस कई बार प्रोड्यूसर मांग सकता है ना नहीं नहीं चॉइस भी है अच्छा तो शुरू किया कंपोजर नहीं किसी ने रियली really? हां ये ये एक चीज है प्रीतम दा ने शुरू की मतलब मैं मैं आई डोंट अंडरस्टैंड सबको बुला लो तो तो व्हिच इज क्यूट मुझे नहीं पता यार मैं अगली फिल्म पे हूं तो ऑल यंगस्टर्स एंड ऑल वर दैट्स इट चेंज सोनू निगम श्रेया मेनी yeah. पीपल हम क्यों अगर रिप्लेस यू एनल तो मेरा सिंपल रूल है श्रेया घोषाल सोनू जी सुनिधि चौहान के के ऑल दैट एंड सीनियर्स बियॉन्ड दैट मैं बुलाता नहीं न्यू टिल आई एम श्योर द प्रोड्यूसर इज अंडर माई कंट्रोल एंड माई विजन नहीं तो मैं बुलाऊंगा नहीं देर टू बिग उनको क्यों आप अनसेटल करो ऐसा फील कर करो और नए लोगों को भी यानी मैंने गाना किया था फ्रॉम uh, गोलमाल yeah. uh, फोर या फोर जो नीन चुराएगा रीमेक था हाँ. और मैं यानी जिंदगी में 95 फाइव सॉन्ग्स में पांच रीमेक है मेरे सबको बता दू. ये ये भी बहुत अमेजिंग है लेकिन रिकॉर्डर तुम्हारा <laughs> बाकी उल्टा होता है है ना 95 एंड फाइव अलग होता है <laughs> पर ठीक है वो बैंक बैलेंस के लिए होता है यू हैव एंजॉयड दर्क ऑफ स्टार्टअम ऑल्सो नाउ आई एम एंजॉइंग इट नाउ आई हैव heard that I'm famous in the last five years, you know, and now I'm just trying to see it. यही इंटरव्यू सुबह वाला <laughs> अमाल मलिक कभी नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि दस बजे तो सोने गए बेटा अगर कभी अक्षय कुमार के साथ पिक्चर करनी पड़ जाए कभी तीन कर रो तीन सुबह जाके लेकिन कभी बुला लिया? Uh, को सेट को सुना दे। सोचना सके साढ़े पांच बजे सुबह हैंड स्टैंड करते हुए मुखड़ा मैंने सुनाया <laughs> उसके बाद बेल बॉटम में बोला फिर मेरे को बेल बॉटम में बोला बेटा तू बहुत पंगे लेता ही लव्स मी एंड यानी वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स हु इज अ ग्रेट वाइब टू वर्क ये अगले चार महीनों में आई एम शूटिंग टेन म्यूजिक वीडियोस सो दैट आई कीप माय बैंक ऑफ म्यूजिक वीडियोस रेडी अभी मैं ठीक ठाक देख रहा हूँ पतला हो गया हूँ क्योंकि द मिनट आई वॉन्ट कम्पोज अ मोड हेयर भी हेयर तो कभी मैं सेट नहीं कर पाता तो रीच वाले भाले वो बट म्यूज़िक कंपोजर जब बन गया तो पिज्जे खा रहे हैं बर्गर खा रहे हैं सब हो रहा है एंड देन यू अनफिट एंड प्लस फिल्म में इतना इन्वॉल्वमेंट है इतने चेंजेस है इतने लोग अप्रूव करते हैं म्यूज़िक फ्रॉम टॉप लेवल टू लो कि फिर उसमें रहूंगा तो द मिनट माई फिल्म स्टार्ट अगेन कमिंग बाई दी एंड ऑफ द दिस ईयर

जितने सोमालस नहीं, नहीं है दुनिया में उतने अमालियंस एंड अरमानियंस काियंस है